नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक यूट्यूब चैनल, आपका बहुत स्वागत है। दरअसल केंद्र सरकार की सबसे बड़ी खबर आ रही है देश में 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर के। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। देश लगातार 68 दिन तक लॉकडाउन में रह सकता है। आज रात 9 बजे कैबिनेट सेक्रेटरी राज्यों के मुख्य सचिवों से बात कर सकते हैं। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन 14 दिन और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। यह देशबंदी का चौथा फेज होगा जो सोमवार 18 मई से शुरू होगा और 31 मई को खत्म होगा। रविवार को लॉकडाउन का तीसरा फेज खत्म होने से करीब 6 घंटे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA ने केंद्र सरकार और राज्यों को देशबंदी जारी रखने के निर्देश दिए थे। इसके बाद गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी। आज रात 9 बजे कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। वहीं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब और मिजोरम पहले ही इस लॉकडाउन को 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं। आपको बता दें, लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने के साथ ही 125 करोड़ की आबादी अब लगातार 68 दिन तक बंदियों में रहेगी। दुनिया के किसी भी देश में इतनी बड़ी आबादी के साथ इतने दिनों तक चलने वाला यह लॉकडाउन सबसे बड़ा लॉकडाउन होगा। वहीं केंद्र सरकार ने अपनी लॉकडाउन के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं वह आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये कैसा रहेगा लॉकडाउन, ये तीन फेज आपको चलिए बताते हैं। देश में अब तक तीन फेज में 25 मार्च से 14 मार्च अप्रैल तक पहला फेज रहा लॉकडाउन का, वहीं दूसरा फेज 15 अप्रैल से 3 मई तक और चौथा फेज 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया था। पहला फेज देश भर में 25 मार्च से 14 अप्रैल तक यह 21 दिन का रहा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई। वहीं दूसरा फेज 15 अप्रैल से 3 मई यह 19 दिन का रहा, जहां हॉटस्पॉट यानी रेड जोन को छोड़कर ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकानें खोलने की परमिशन दी गई। वहीं तीसरे फेज में 4 मई से 17 मई तक यह 12 दिन के लॉकडाउन में हॉटस्पॉट यानी रेड जोन को छोड़ करके ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकानें खोलने की परमिशन दी गई। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेनें और बस भी चलाई गई। नई दिल्ली से स्पेशल ट्रेनों की भी शुरुआत हुई थी। वंदे भारत और समुद्र सेतु मिशन के जरिए दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को भारत में वापिस लाया गया और इसकी शुरुआत भी की गई। चलिए हम आपको बताते हैं कि किन शहरों में रह सकती है सख्त पाबंदी और किन शहरों में मिलेगी छूट। आपको बता दें, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल और इंदौर में सख्त पाबंदी रहेगी। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जिले में सख्त पाबंदी देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र में मुंबई, औरंगाबाद, पुणे, पालघर, सोलापुर, नासिक और ठाणे में सख्त पाबंदी देखने को मिलेगी। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की तो यहां आगरा और मेरठ में सख्त पाबंदी देखने को मिलेगी। वहीं दिल्ली में खासतौर से सख्त पाबंदी देखने को मिल सकती है। वहीं पंजाब में अमृतसर, तमिलनाडु की बात करें तो कुडालोर, चेंगलपट्टू, अरियालूर और विल्लुपुरम, तिरुवलूर और ग्रेटर चेन्नई में सख्त पाबंदी देखने को मिलेगी। गुजरात शहर में अहमदाबाद, बड़ोदरा और सूरत में सख्त पाबंदी देखने को मिलेगी। तेलंगाना में ग्रेटर हैदराबाद और उड़ीसा में बहरमपुर में सख्त पाबंदी देखने को मिलेगी। वहीं बंगाल में हावड़ा और कोलकाता में लॉकडाउन 4.0 में सख्त पाबंदी देखने को मिल सकती है। वहीं आंध्र प्रदेश में कुर्नूल जिले में सख्त पाबंदी देखने को मिल सकती है। अब तक ये थी बड़ी खबर, आपके विचार अपने जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं द अगली हाइलाइट्स न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।